जी कैसा लग रहा है? देखिए फर्स्टली आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड. बहुत खुशी होती है जब किसी की खुशी में हिस्सा बनते हैं. एंड दिस माई सेकेंड टाइम आई एम कमिंग फॉर दिस अवार्ड. आई एम वेरी थैंकफुल कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में मुझे फिर से मौका मिला. और बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लगता है जब हम जैसे एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है और कहीं ना कहीं उम्मीद होती है. और यही चीज़ हम लोगों को ट्रिगर करती है टू वर्क फर्दर एंड टू वर्क मोर हार्डर फॉर इंडियन सिनेमा. जी जी देखिए एज एन एक्टर अभी तक टीवी के बाद, अभी लास्ट फिल्म मेरी दोस्ती की साइड इफेक्ट्स थी बट आई शिफ्टेड बैक इनटू टीवी. बट अनदर फिल्म इज़ कमिंग अप, फिल्म नेम इज़ हॉन्टेड हिल्स जो 20th of February को रिलीज़ हो रही है. इसमें डायना खान है, मैं हूँ, गेवी चहल हैं और मानसी गुप्ता हैं, न्यूकमर हैं. दिस फिल्म इज़ रोमांटिक हॉरर फिल्म है और मोहम्मद इरफान का गाना है, पलक मुछाल का गाना है और बहुत अच्छी क्रिस्प है, बहुत अच्छी पेसी फिल्म है. जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा. इट्स काइंड ऑफ जर्नी विच विल टेक यू फ्रॉम रोमांस टू हॉरर देन इन टू डिफरेंट वर्ल्ड. बिग बॉस को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी बट उस वक्त मैंने फॉलो नहीं किया था बिग बॉस. एंड तब जाके समझ में आता है कि बिकॉज आई हैव सीन दिस सीजन ऑफ बिग बॉस और इस बार मैं पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूँ और एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ और स्पेशली जाके वूट पे भी देखता हूँ. तो इस बार का एंथुसियाज्म एंड एनर्जी बहुत अच्छी है और एक्चुअली टीवी एक्टर्स ही हैं, साथ के काम करने वाले दोस्त हैं तो अच्छा लगता है और सपोर्ट करने की उम्मीद मिलती है. क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल? सी आई एम नॉट इन एनी फेवर बट यस सी आसिम का थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखती है क्योंकि दैट गाय हैज़ वर्क सो हार्ड एंड स्टैंड बाय हिज ओन टर्म्स. सिद्धार्थ एंड रश्मि आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सो उन लोगों को अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाने की ज़रूरत नहीं. बट आई एम वेरी सरप्राइज कि आसिम की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इतनी जल्दी बन गई एंड एवरी वन इज़ स्टैंडिंग फॉर हिम. सो फाइनल के दिन बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे लगता है इंडियन सिनेमा के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल ये एक बहुत ही अहम और अटूटनीय अंग है क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी ने कहीं ना कहीं एक मुहिम शुरू की थी और सिनेमा की नींव डाली थी. ही वॉज ऑलवेज एन ऑलराउंडर एंड उनका जो एक्सपीरियंस या उन्होंने जो नींव डाली है इस वजह से आज हम सिनेमा वर्ल्ड में इतना बड़ा मुकाम और आयाम हासिल कर पाए हैं. फॉर मी बीइंग एन आर्टिस्ट, जस्ट एन आर्टिस्ट, बट सिनेमा इज़ लाइक अ ड्रीम. और ऐसे में इस फेस्टिवल का पार्ट होना इट्स लाइक अ प्रिविलेज टू मी. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हियर एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल बिकॉज काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं या अवार्ड शोज होते हैं. आई somehow don't feel completely connected with them but this name itself is so big that you feel or you want to be connected. So I feel really grateful. Thank you so much. Thanks a lot. अब main हो? अच्छा अब manager हो? सबके manager हो आप? हाँ क्या बात, अच्छा साथ में करेंगे हम. अरे वाह, चलो रोल महेश. हां रोल है भाई. ऑलराइट एली जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहां पे प्रेजेंट हैं तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है आपकी? मैं बस माय वाइफ आई शुड गो, आई वोंट गेट लंच डिनर टुडे. खाना नहीं. सही है सही है. जेवण मिळणार नाही तुम्हाला माहिती आहे. जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और हम्बल हूँ कि मैं यहीं पे हूँ. दैट आई गॉट इनवाइटेड टू बी ऑन दिस ब्यूटिफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू सो मच सर मैम. या इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एक्चुअली as an outsider and you know as
abroad se bhi ho. You must have heard the name of Dada Saheb Phalke also. Yes, of course I have. You know, it's the most prestigious award to receive, and you know, maybe one day I can receive it. Bahut mehnat se. So yeah, but I mean, it's just बहुत ही भावुक हूँ मैं. मेरी पहचान करवा देता हूँ. मेरा नाम चंद्रशेखर पुसालकर है और मैं दादा साहब फाल्के का नाती हूँ, उनकी लड़की का लड़का. तो मैं आज बहुत भावुक हूँ. आई एम वेरी मच सेंटिमेंटल. इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू. दो साल पहले मुझे कोई बोलता था कि अगर आपके ग्रैंडफादर का 150th बर्थ एनिवर्सरी इतने रॉयल ढंग से हो जाएगा तो मुझे भरोसा नहीं होता था. DPIFF has taken full marks to Anil Mishra, Abhishek Mishra और उनकी टीम. उन्होंने हमें हमारे दादा साहब फाल्के की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया. हमें जूरी प्रेसिडेंट मुझे बनाया. मेरे ख्याल से आज तक फाल्के का नाम का यूज़ हो गया. बहुत सारे लोग करते हैं, उनका ग्लैमर का यूज़ करते रहे. हम कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब हमें अच्छा लगता है ऐसा नहीं. लेकिन आज बोलना पड़ता है कि आज मेरे ख्याल से सभी लोग फाल्के का नाम यूज़ करने का है तो DPIFF के साथ जाना चाहिए. क्योंकि जो कोई कर रहा है दूसरे लोग, हम उसके पास गए थे, गेस्ट करके गए थे, लेकिन बाद में जब रिटर्न घर में गए तो चीफ गेस्ट हो गए. तो मैं किसी का नाम नहीं लेने चाहता. लेकिन ये एक्सपीरियंस थी बहुत ही बेहतरीन. मुझे तो इतना रोना आता है कि हमारा ऑनर है कि नहीं, लेकिन ये सब ऑनर मैं मेरे ग्रैंडफादर दादा साहब फाल्के को ट्रांसफर करता हूँ. उनके वजह से ये ऑनर मिल रहा है. और ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी के साथ ये हो रहा है. वो एक फिल्म के महात्मा थे. बहुत खुशी के टाइम है. तो यह अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जब सिनेमा को 100 ईयर्स हो गए दादा साहब फाल्के को, तब भी फाल्के अवार्ड शुरू किया गवर्नमेंट ने. अब 150th बर्थ एनिवर्सरी है, क्यों ना उन्हें पोस्टमस भारत रत्न दिया जाए. आज दादा साहब फाल्के ने क्या नहीं दिया? मासेस को एंटरटेनमेंट, स्टार को स्टारडम, गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू, लाखों लोग को रोजी रोटी. दादा साहब फाल्के देते ही है. अब हमारी बारी है. वी हैव टू रिटर्न इट बैक. एंड और बेहतरीन मौका क्या है? 150th बर्थ एनिवर्सरी 30 अप्रैल हो रही है, कंप्लीट हो रही है. I appeal to the government, please recommend his name for the posthumous Bharat Ratna. And my wife also always say that there should be an award in name of Saraswati Dev Phalke, because she is the first technician. Dada Saheb Phalke himself has said that without her support, I would have not been pioneer of this film industry, because she was the first female technician. Jo developing hai, jo kuch hai, unhone unhe sikhaya tha Raja Hari Singh ke time. उन्होंने सब किया था. ये किसी को पता नहीं. परफोरेशन डेवलपिंग सब आफ्टर फिनिशिंग फुल डेज वर्क. तो मेरे ख्याल से उनको भी एक जस्टिस होना चाहिए. उनके नाम पे सरस्वती भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे. ये मेरी पत्नी और मेरी भी इच्छा है. 100 इयर्स बैक किधर लेडीज लोग का ये किधर था रिकॉग्निशन. उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन शी वाज द फर्स्ट लेडी टेक्नीशियन. उसका योगदान बहुत ही है. मालूम ही नहीं होगा कि उसने क्या नहीं किया है. इसलिए मैं अपील कर रही हूँ गवर्नमेंट को उसके नाम से अवार्ड देना. बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर. सो वी आर वेरी हैप्पी. वी कांग्रेचुलेट DPIFF एंड आई होप that is going to be a very big event on 20th. I say all the best, and I'm very thankful to media that they are giving a patient hearing to whatever I said. Thank you very much. Thank you. And I'm very happy to be showcasing as the finale designer at these awards. So मैंने जो fashion show create किया है इस finale collection के लिए, वो भी I'm very excited to present that on the 20th. Yeah, so ये platform पे हम लोग talent को hunt कर रहे हैं.
हम लोग 20 प्लस स्टेट से टैलेंट को हंट कर रहे हैं और मोर देन 2000 एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं मॉडल्स की एंड उसमें से हम लोग 20 मॉडल्स सेलेक्ट कर रहे हैं एंड वी हैव द शो कोरियोग्राफर एरी सो ही इज सेलेक्टिंग द मॉडल्स 10 मेल 10 फीमेल एंड उसमें से वी आर वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड बिकॉज दे विल गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ फैशन एंड फिल्म सो इफ देर इज समन इन द फ्यूचर आज एक मॉडल को चांस मिल सकता है फिल्म में डायरेक्टली भाग लेने के लिए सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्टनर्स विद देम थैंक यू First of all, we are privileged to be a part of Dadabhai Phalke Award, and I want to thanks Badal and Nivedita. And we look like, you know, we look full package who can represent India. And of course, they have to be very disciplined because without discipline, you cannot reach to that level. And they has to be very good. And as you know, they can be the next superstars. So they have to be best in every way. And they will become the next face of India 2020. This is what we are doing. So the platform is called Face of India and it's prevalent throughout Asia. It's not just an Indian platform but a global platform. So all new talent which comes through this platform will get a chance to represent India within the Bollywood industry and also outside India in all the Asian acting and modeling communities. यहाँ 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं और जो विनर हो वो फेस ऑफ एशिया बनेगा और विनर को 80 लाख प्राइज हैं फॉर जस्ट बीइंग अ पार्ट एंड गेटिंग द विनर यू नो टू रिप्रेजेंट एट द एशिया मॉडल फेस्टिवल विच विल हैपन इन साउथ कोरिया इन मे 2020 एंड एज यू ऑल नो कि साउथ कोरियन मूवी हैव वन द ऑस्कर्स पैरासाइट सो यू नो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम साउथ कोरिया टू इंडिया सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू सो मच Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.